अस्सलाम वालेकुम आवाम की आवाज़ रोशन कराची के साथ, मैं हूँ नायला हुसैन, कैमरामैन राशिद कुरैशी के साथ। इस टाइम हम खड़े हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में। चलिए यहाँ लोगों से उनकी राय पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि कराची में जो हालात चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालात जो हैं वो बेसिकली तौर पे सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर जो डिपेंड करता है वो मईशत होती है। मईशत के लिए अगर मुल्क गवर्नमेंट अगर सबसे अच्छा काम ये करना है कि जो प्राइस हैं उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट नुमाइंदे यहाँ कोई सर्वे होता नहीं है। जब सर्वे नहीं होगा तो वो कैसे पता लगेंगे कि आवाम चीखती रहेगी और आवाम ऐवानों तक बात नहीं पहुँचेगी, क्योंकि सारा डिपेंड करता ही है आपकी मईशत पर। प्राइस जो है गवर्नमेंट की कुछ और शो कर रही होती है, वहाँ से वो लोग दिखा रहे होते हैं अच्छे की रिपोर्ट, और यहाँ पर जो है वो डबल प्राइस में लोग बेच रहे होते हैं। तो कंट्रोलिंग सबसे बड़ी ये है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है तनख्वाहों में इजाफा नहीं है, कोई दूसरी आमदनी का ज़रिया नहीं है। एक तो बिजली नहीं है, एक के पास आपके पास पानी नहीं है, दूसरा आपके पास गैस नहीं है। तो जब ये लोग ये सब चीज़ें फराम नहीं करेंगे तो मईशत कहाँ से आगे निकलेगी? ना मुल्क तरक्की करेगा, ना आवाम कुछ तरक्की करेगी। तो इनको तो इस चीज़ों पर गौर करना चाहिए ना। ये गौर करेंगे तो ये इस पर आवाम को इशू क्या है? आप इतनी गवर्नमेंट करनी है आपने करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ ये होता है वो आवाम को बुनियादी चीज़ें आप फराम करें। कहते हैं बातें होती हैं लेकिन करता कोई नहीं है। जितने बड़े से बड़े लोग आ जाएँ तो मुल्क पाता है आपको क्या हालात हैं। अब ये नौबत आ गई है, लोग जो हैं आटा छीनने को तैयार हैं, आपसे पैसा छीनने को तैयार हैं, लोग एक दूसरों को मार रहे हैं, स्केचिंग हो रही है। तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ है और सिवाय इसके कोई दूसरा काम है ही नहीं। अब ये रही बात कि इमरान खान साहब हैं और वो अकेले ऑनेस्ट ईमानदार हैं, बाकी उनकी टीम तो वही है, लोग तो वही हैं सारे उनके साथ। तो वो इधर से आए हुए, इधर से आए हुए, इधर से आए हुए, तो वो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक लीडरशिप अच्छी ग्रास लेवल पे काम ना करे, खुद आगे सर्वे ना करे, तो मैं नहीं समझता कि वो वहीं से ऐवानों से बैठ के कोई भी तिरंग खा नेवर। मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को ग्रास लेवल पे आना चाहिए, आवाम की सहूलत के लिए उनसे मिलना चाहिए, वो खुद रब्ते करें, तब तो कुछ मामला सेट हो सकते हैं। वरना अदरवाइज़ मैं नहीं समझता या कोई अच्छे लोग आना चाहें, या अच्छे लोग यहाँ हैं नहीं, वो सब मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और जाहिर है इस मुल्क से जब जाएंगे तो यहाँ तो फिर हम जैसे आप जैसे लोग मजदूर मिलेंगे, वो इस लेवल पर काम कर नहीं सकते, वो अपनी आवाज़ें वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, उनको कानून के बारे में पता नहीं है, आइन के बारे में पता नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? भाई जाहिर है बेचारा गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, वो बेचारा पिस्सा रहेगा और आवाम हुकूमत ये लोग करते रहेंगे। मैं नहीं समझता ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आई नो। तो आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? अपील का टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं आप बस पाकिस्तान से अल्लाह से तवक्को कर सकते हैं, अल्लाह ही कर सकता है। आप अल्लाह की गैबत कोई मदद कर दे तो वो हो सकती है। आप हमारी अपील करने की सलाहियत रही है माजरत के साथ, क्योंकि आवाम ज़्यादातर यही है। क्या ख्याल है भाई? ऐसा ही है, अल्लाह पे तवक्कल है आवाम। ये लीडरशिप नेवर थिंक बिल्कुल नहीं। अगर आप रियलिटी जैसे आप लोग आई हैं ग्रास लेवल पर, आप काम कर रही हैं, लोगों के हाल अवाल मालूम कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ आप वहाँ से बैठ के ऐवानों से बैठ के कोई काम नहीं चलता है वहाँ। यहाँ तो आपने वही लोगों को मुंसब किया हुआ है कि उसका भाई आ गया, उसका बहन आ गया, उसका चाचा आ गया, उसका ताया आ गया, उसका मामा आ गया, तो भाई वो तो लूट घुसूट करेंगे। अच्छे लोग कैसे आएंगे जब इस माशरे के अंदर ये ऐवानों में अच्छे कपड़े पहन के लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूमेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? वो तो लूट घुसूट करेंगे। मैं नहीं समझता कि वो लोग कोई अच्छा काम करेंगे, नेवर थिंक। अब अल्लाह की गबत है, बस अल्लाह पे आसरा है हमारा और किसी पे आसरा नहीं है। जैसे कि आपने देखा, हमने इन भाई से भी बात की, इन्होंने भी यही बोला कि बेरोज़गारी की वजह से लोग बहुत गलत चीज़ें इख्तियार कर रहे हैं, जैसे चोरी वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं।